सिद्धार्थ नगर के लोहिया कला भवन में सहकारी समिति द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे, जिसमें इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों द्वारा जनपद के कोने कोने से आए सहकारी समितियों के सदस्यों, पदाधिकारियों और किसानों को नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के फायदे, उपयोग विधि आदि के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। प्रदेश के सहकारी मंत्री जेपीएस राठौर ने नैनो उर्वरक के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साधन सहकारी समितियों को पुनर्जीवित करने के लिए पहली बार केंद्र में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, साथ ही सहकारिता बिल भी लाया गया, जिससे देश के अधिक से अधिक किसानों को सहकारी समितियों से जोड़कर उनको लाभ दिया जाए और इसकी आय में वृद्धि की जा सके। इसके अलावा दिवालिया होने के कगार पर खड़े जिला सहकारी बैंकों को भी भारी बजट देकर जीवित किया गया, जिससे किसानों के डूबे पैसे उन्हें वापस किया जाए। साथ ही उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना किसी डर संकोच के किसान भाई जिला सहकारी बैंकों में अपने खातों का संचालन सुचारू रूप से कर सकते हैं। सहकारिता मंत्री ने इफको की प्रशंसा करते हुए कहा कि 1959 में जिस अमेरिका के नैनो तकनीक की उत्पाद की थी, आज उसी अमेरिका को इफको के द्वारा बनाए गए नैनो उर्वरक को निर्यात किया जा रहा है, जो हमारे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार में पहली बार एक सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और देश के सबसे ताकतवर नेता माननीय अमित शाह जी को उसका मंत्री बनाकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि सहकारिता को वो कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। सहकारिता को देश में एक जन आंदोलन का रूप देकर, एक एक किसान भाई को उसके जोड़कर और इस अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। जब एक एक किसान इस अर्थव्यवस्था से जुड़ेगा, तभी ये देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, तभी ये देश आर्थिक रूप से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, तभी ये प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। तो इस दृष्टि से सहकारिता का बहुत बड़ा योगदान है, जिसको लेकर नई नई सहकारी समितियों का गठन करना, सहकारिता की सदस्यता को आगे बढ़ाना, उसको करना और जो खाद की दिक्कत है उसको दूर करके यूरिया डीएपी पहुंचाना, गेहूं खरीद करना, धान खरीद करना और इसके साथ साथ इन पैक्स के माध्यम से पेट्रोल पंप गैस एजेंसी से लगाकर जन औषधि केंद्र खोलना, तमाम ऐसे नए कार्यक्रम और क्रियाकलाप जिसमें फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना, जिसके कारण इसकी आय भी बढ़े ताकि ये वाइबल हो सके सहकारी समितियाँ। इसको CSC के रूप में भी कन्वर्ट करेंगे, जिसमें 54 प्रकार की सुविधाएं, प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र से लगाकर, आधार कार्ड से लगाकर और पासपोर्ट तक देने की भी व्यवस्था आगे इसमें मुकम्मल करेंगे। तो ये सहकारी समितियाँ हमारी रीढ़ हैं और इसका कंप्यूटराइजेशन कर सभी प्रकार के भ्रष्टाचार को भी खत्म करने के लिए माननीय अमित शाह जी ने योजना बनाई है। उसको लगता है आगे आने वाले समय में सहकारिता बहुत अच्छे अपने काम पर पहुंचेगा और इससे देश के सभी किसानों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। सिद्धार्थ नगर से रविंद्र कुमार की रिपोर्ट।